संसद की सड़कों पर मौजूद नौजवानों के हुजूम को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन है, क्रांतिकारी इस्तकबाल है। साथियों, आज हम लोग इस हुंकार रैली में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मौजूदा सरकार को इस बात की चेतावनी देने आए हैं कि सुलह चाहिए और जिस तरीके से पिछले 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों के ऊपर हमले किए हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके पूरे नौजवानों को, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को एक करने का काम किया है। और साथियों, मैं आपसे इस बात को कहना चाहती हूँ, आज हम नौजवान, आज देश का किसान, आज देश की महिलाएं, देश का दलित, देश का पिछड़ा और देश के मुसलमान बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये दौर हिंदुस्तान के सामने पहली बार नहीं आया है। ऐसे ही कुछ दौर था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और इस देश के नौजवानों को ये तय करना था कि वो अंग्रेजों की मुखबिरी करेंगे या फिर गोवलकर का साथ देंगे या फिर अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। लेकिन इस देश के नौजवानों ने ये तय किया कि वो गांधी और भगत सिंह का साथ देंगे और इस देश के नौजवानों ने आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। 70 के दशक में जब इमरजेंसी लगी तो फिर से एक बार नौजवानों ने बीड़ा उठाया और पूरे देश में जेपी के नेतृत्व में पूरे देश में नौजवान सड़कों पर आ गए और इमरजेंसी लगाने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हिंदुस्तान के नौजवानों ने किया था। और ये वही नौजवान है जिन्होंने 90 के दशक में मंडल और कमंडल की भी लड़ाई लड़ी थी और अपने हक और हुकूमत को हासिल किया था। हम आपको बताना चाहते हैं, आज फिर से एक संकट है, आज फिर से पूरे देश पर संकट छाया हुआ है। दलितों के ऊपर संकट है, मुसलमानों के ऊपर संकट है और सबको घेर कर मारे जाने की कोशिश की जा रही है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने साथी चंद्रशेखर की रिहाई के लिए और हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम नौजवान सहारनपुर की लड़ाई नागपुर में खुद कर लड़ने की तैयारी करके आए। साथियों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आती हूँ, इलाहाबाद से आती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोगों ने योगी जी को घुसने नहीं दिया था और एक बात और कहना चाहते हैं कि वही सरकार है जो हिंदुत्व की बात करती है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये हिंदुत्व की बात करने वाले तो हिंदू भी नहीं है क्योंकि ये बात तो ये हिंदू भी नहीं है क्योंकि ये बात तो राम की करते हैं लेकिन मंदिर कुर्सी का बनाते हैं। जो बात तो गाय माता की करते हैं लेकिन उसे काटने का काम नॉर्थ ईस्ट में अपने चुनावों में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। साथियों, आज देश में हम लोगों के पास बहुत सारे सवाल है, हम लोगों के रोजगार का सवाल है, किसानों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, अल्पसंख्यकों का सवाल है। हम आपसे एक बात और भी कह देना चाहते हैं कि अब हम सबको एक होना पड़ेगा। आज जीडीपी तेजी से गिर रही है, सबको मालूम है, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि देश में जीडीपी ज्यादा तेजी से गिर रही है या मोदी जी की राजनीति का स्तर ज्यादा तेजी से गिर रहा है। साथियों, बहुत सारे साथी हैं यहाँ पे, कन्हैया भी है, हमारे साथी जिग्नेश भी है, उमर भी है और भी तमाम साथी हैं, पूजा है, शैला है और सबसे ज्यादा हमारे सामने अलग अलग राज्यों के आए हुए नौजवान हैं। मैं आपसे एक ही आह्वान करना चाहती हूँ कि दलितों का और मुसलमानों का एक देश में खड़ा करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
देश का नौजवान जिसने हमेशा ही इस देश को, इस देश की राजनीति को दिशा दी है, जिसने हमेशा से ही बात करते हैं कि छात्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, छात्र क्यों राजनीति कर रहे हैं, आपको डर इसलिए है क्योंकि छात्र राजनीति आज विश्वविद्यालय कैंपस तक सीमित नहीं है। छात्र लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्र पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और छात्र ही है जो महिलाओं और ट्रांसजेंडर की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इनको इसी एकता से डर लगता है। हमको एक कहना होगा, हम लोग ने एफटीआईआई पुणे की लड़ाई भी देखी है, हम लोगों ने मद्रास आईआईटी की भी लड़ाई देखी है, हम लोगों ने भी पिछले दिनों बीएचयू में भी लड़ाई की है, और संघीय वीसी को घास फेंकने का काम बीएचयू के साथियों ने किया है। तो साथियों, हम लोग यहाँ से मांग करते हैं कि साथी चंद्रशेखर को रिहा करो, साथी चंद्रशेखर को रिहा करो, मुसलमानों के ऊपर जोर जुल्म नहीं सहेंगे, मुसलमानों के ऊपर जोर जुल्म नहीं सहेंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि कई साथी हैं, एक लाइन और कहना चाहती हूँ अपने तमाम नौजवान साथियों की ओर से कि करो ना फिक्र है मुल्क वालों, करो ना फिक्र है मुल्क वालों, हम देंगे अपना लहू चिरागों में रोशनी के लिए, हम देंगे अपना लहू हिंदुस्तान की सारी विरासत को बचाने के लिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद साथियों।